पर्दा छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के हुसन का जादू दोनों जगह जगता है। एक्टिंग और डांस के मामले में माधुरी दीक्षित ने खास जगह बनाई है। अपने हुनर के दम पर माधुरी ने बरसों फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और उनकी दूसरी पारी भी टीवी पर छाई हुई है। माधुरी दीक्षित का फिल्मी करियर कुछ खास फिल्मों से शुरू नहीं हुआ, ये बात अक्सर कही सुनी गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों से पहले माधुरी दीक्षित टीवी पर आने वाली थी, लेकिन वहां उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर शुरू होने से पहले उन्होंने दूरदर्शन के एक शो में काम किया था। इस शो का नाम था बॉम्बे मेरी है। साल 1984 में इस शो का एक एपिसोड शूट किया गया था और दूरदर्शन के पैनल के सामने दिखाया गया था, लेकिन एक ही एपिसोड के बाद दूरदर्शन ने शो को टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीरियल आगे नहीं बना। दूरदर्शन ने दलील दी थी कि फिल्म में इम्प्रेसिव स्टार कास्ट नहीं है। इस शो से माधुरी दीक्षित डेब्यू करने वाली थी। टीवी पर बात तो नहीं बन सकी, लेकिन इसी साल यानी 1985 में जरूर माधुरी दीक्षित को फिल्मों में ब्रेक मिल गया था। उन्हें फिल्म अबोध ऑफर हुई थी। तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्म मिलने से पहले माधुरी दीक्षित ने आवारा बाप, मानव हत्या, स्वाति, देवयान जैसी 8 फिल्मों में काम किया था। साल 1988 में आई तेजाब ने उन्हें असली स्टारडम दिलवाया था।